ये है वक्त मीडिया। हरियाणा के फरीदाबाद शहर में 26 नवंबर 2017 को एक शाम हिंदू मुस्लिम एकता के नाम तीसरा ऑल इंडिया मुशायरा और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुशायरे के कन्वीनर रहे जनाब वसी मिर्जा साहब, जो प्रेसिडेंट हैं फरीदाबाद इंडस्ट्रियल काउंसिल ऑफ माइनॉरिटीज के। मुशायरे के दूसरे कन्वीनर रहे जनाब शाहनवाज मंसूरी, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं फरीदाबाद इंडस्ट्रियल काउंसिल ऑफ माइनॉरिटीज के। इस मुशायरे में टीम युवा अंजुमन डायमंड पैकेजिंग के जनाब नसीम मेवाती साहब और सुहेल गुलशेर ठेकेदार ने अपना ताउन दिया। इस मुशायरे में सभी शायर शायरात को इनवाइट किया था हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ इंकलाबी शायर जनाब आरिफ सैफी साहब ने। जैसा कि आप देख रहे हैं, आरिफ सैफी साहब यहाँ पर बहुत सरगर्म नजर आ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं आज के इस मुशायरे के कन्वीनर। और आज उनकी जो है बहन की शादी भी थी, आज रुखसती होनी है। मुझको इसी पर से विचार मिश्रा याद है फरहानदिल साहब से कि देखिए बेटी जो है कितना पाकीज़ा और मुकद्दस रिश्ता होता है कि पहुँच कर घर में दरवाजे पर दस्तक जब भी देता हूँ गलत ही क्यों निकलता है हमेशा मेरा अंदाजा। पहुँच कर घर में दरवाजे पे दस्तक जब भी देता हूँ गलत ही क्यों निकलता है हमेशा मेरा अंदाजा। मेरे मुँह से निकलता है हमेशा नाम बेटे का, मेरे मुँह से निकलता है हमेशा नाम बेटे का, मगर बेटी ही उठ के खोलती है घर का दरवाजा, मगर बेटी ही उठ के खोलती है घर का दरवाजा। हाजिर निगरानी मेरी डाइस पर मुख्तलिफ शहरों से तशरीफ लाई हुई शायरात मौजूद है। खातिर कहीं माँ का रूप होती है, कहीं बहन का रूप है, कहीं बेटी का रूप है, तो कहीं एक पाकीज़ा और मुकद्दस रिश्ता बीवी का रूप भी है। हाजरीन हमारे इस मंच पर कवि सम्मेलन के मंच से उठकर उर्दू के मुशायरों में तशरीफ लाई हुई एक कवित्री भी, जो आपकी मोहब्बत हासिल करने के लिए सरजमीन फरीदाबाद तशरीफ लाई है। उर्दू जुबान वो पाकीज़ा और मीठी जुबान है कि जो हर किसी को अपनी जानिब खींच लेती है। मुझे न्यू दिल्ली का एक वाकया याद आ रहा है, जीएस ठाकुर जो चीफ जस्टिस थे, उनसे जो है वकील ने तारीख मांगी तो वो तारीख नहीं दे रहे थे, तो वकील ने जो है कोर्ट खारिज होने के बाद गालिब का एक शेर उन्हें सुना दिया। तो जज साहब ने कहा कि ये शेर मुझको पूरा सुनाइए। वकील साहब ने जब उन्हें पूरा शेर सुनाया तो फौरन दूसरे हफ्ते में जज साहब ने उन्हें तारीख दे दी। तो ये जो है उर्दू की चाशनी, उर्दू की जाजिबियत और उर्दू की मोहब्बत है। तो इसी उर्दू की मोहब्बत ने हमारे दरमियान रंजीता सिंह फलक साहबा को जो है लाया है ज़मीने फरीदाबाद में। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि मौसूफा तशरीफ लाए और अपने खूबसूरत कलाम से हमें नवाजे। आप पुरजोर ताली में इस्तकबाल कीजिए। फरीदाबाद के सामीन को मेरा आदाब, सदरे मोहतरम की इजाजत और डाइस के सभी साथियों की इजाजत से एक शेर के साथ खुद को हाजिर करती हूँ। मौला मुझे इत्र सा महकने का हुनर दे, मौला मुझे इत्र सा महकने का हुनर दे, जिस सिमत भी जाऊं खुशबू सी बिखर जाऊं, जिस सिमत भी जाऊं खुशबू सी बिखर जाऊं। लंबी फहरिस्त है मेरी दोस्तों की और शायद सभी तरन्नों में पढ़ेंगी, मैं जरा अलहदा कहत के मिजाज में पढ़ती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप पसंद करेंगे मेरी अदायगी को और एक कथा के साथ खुद को फिर से हाजिर करती हूँ। इतनी तल्ख और उदास जिंदगी, इतनी तल्ख और उदास जिंदगी, हर ख्वाब के पर कुतरती धारदार जिंदगी, इतनी तल्ख और उदास जिंदगी, हर ख्वाब के पर कुतरती धारदार जिंदगी। गैरों के सितम का हम क्या गिला करें, गैरों के सितम का हम क्या गिला करें, अपनों के दिए जख्म से बर्बाद जिंदगी, अपनों के दिए जख्म से बर्बाद जिंदगी। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आपका मिजाज समझूंगी और बहुत थोड़ा एक
मुसरे और कुछ शेर आपको हाजिर करती जाऊंगी। मुझे लगता है कि रात धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। एक बहुत छोटी और सादी बहर में गजल और उसके कुछ मिसरे आपको हाजिर करती हूँ। समाज फरमाएंगे, एक तेरी ही चाह करते हैं, एक तेरी ही चाह करते हैं, कौन सा हम गुनाह करते हैं। एक तेरी ही चाह करते हैं, कौन सा हम गुनाह करते हैं। रोशनी सी बिखरती जाती है, रोशनी सी बिखरती जाती है, जिस तरफ वो निगाह करते हैं। रोशनी सी बिखरती जाती है, जिस तरफ वो निगाह करते हैं। वो मोहब्बत भला करेंगे क्या, वो मोहब्बत भला करेंगे क्या, सिर्फ हमसे निभाह करते हैं। वो मोहब्बत भला करेंगे क्या, सिर्फ हमसे निभाह करते हैं। मौसम मुझ में एक समंदर है, मौसम मुझ में एक समंदर है, आप कतरे पे आह करते हैं, आप कतरे पे आह करते हैं। एक शेर और कुछ मुझसे और हाजिर करती हूँ। उसने मेरी तहजीब को समझा ही नहीं है, उसने मेरी तहजीब को समझा ही नहीं है, लहजे में उसके प्यार का लहजा ही नहीं है। उसने मेरी तहजीब को समझा ही नहीं है, लहजे में उसके प्यार का लहजा ही नहीं है। वो हद में अपनी लौट कर आएगा एक दिन, वो हद में अपनी लौट कर आएगा एक दिन। सैलाब का पानी कहीं ठहरा ही नहीं है, सैलाब का पानी कहीं ठहरा ही नहीं है। बहुत सुकून मिलता है आप सभी की दाद से। हर शख्स के चेहरे पे है मतलब का तवस्सुम, हर शख्स के चेहरे पे है मतलब का तवस्सुम। बच्चे की तरह कोई हंसता ही नहीं है, बच्चे की तरह कोई हंसता ही नहीं है। आरिफ साहब एक शेर आपको हाजिर करती हूँ। वो दिल में आ गया, वो दिल में आ गया यूं बिना आहट, वो दिल में आ गया यूं बिना आहट, जैसे कि मेरा दिल उसकी ही मिल्कियत थी, जैसे कि मेरा दिल उसकी ही मिल्कियत थी। और फरीदाबाद की सरजमी को एक शेर और हाजिर करती हूँ। इबादतों के सिलसिले, इबादतों के सिलसिले यूं शुरू हुए, इबादतों के सिलसिले यूं शुरू हुए कि उनको देखा तो जबीं खुद ही झुक गई, उनको देखा तो जबीं खुद ही झुक गई। और एक एक छोटी सी गजल के साथ फिर आपसे विदा लेती हूँ। अभी जख्म दिल को दिखाया नहीं है, अभी जख्म दिल को दिखाया नहीं है, जो बीती है हम पे बताया नहीं है। अभी जख्म दिल को दिखाया नहीं है, जो बीती है हम पे बताया नहीं है। सितारों को इसका शिकवा बहुत है, सितारों को इसका शिकवा बहुत है कि जुगनू को उसने छुपाया नहीं है। सितारों को इसका शिकवा बहुत है कि जुगनू को उसने छुपाया नहीं है। मेरी दस्त रस में तो सब कुछ है लेकिन, मेरी दस्त रस में तो सब कुछ है लेकिन, तुम्हें चाहिए क्या बताया नहीं है, तुम्हें चाहिए क्या बताया नहीं है। मेरी दास्ता आईने की तरह है, मेरी दास्ता आईने की तरह है, किसी से भी मैंने छुपाया नहीं है, किसी से भी मैंने छुपाया नहीं है। मुझे जिसने रुसवा किया है मसलसल, मुझे जिसने रुसवा किया है मसलसल, वो अपना है मेरा पराया नहीं है। मुझे जिसने रुसवा किया है मसलसल, मुझे जिसने रुसवा किया है मसलसल, वो अपना है मेरा पराया नहीं है। और एक और शेर हाजिर करती हूँ। बहुत होता रहता है नुकसान मेरा, बहुत होता रहता है नुकसान मेरा, मैं खुददार हूँ ये भुलाया नहीं है, मैं खुददार हूँ ये भुलाया नहीं है। तेरी आस्था पे जबी जब झुकाई, तेरी आस्था पे जबी जब झुकाई, झुकाकर उसे फिर उठाया नहीं है, झुकाकर उसे
سے پھر اٹھایا نہیں ہے مکتے کا شیر ہے فلک کی دعا ہے کبھی رد نہ ہوگی فلک کی دعا ہے کبھی رد نہ ہوگی یقیناً کسی کو رلایا نہیں ہے یقیناً کسی کو رلایا نہیں ہے شکریہ بہت بہت مبارکباد محترمہ کو آئیے میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ لیٹسٹ مشاعرے یا اور ویڈیو آپ کو گھر بیٹھے ملیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے ہمارا یوٹیوب چینل کا ایڈریس ہے youtube.com/وقت میڈیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ مشاعرے کی کوریج وقت میڈیا کی ٹیم کرے تو ہم سے کانٹیکٹ کیجیے ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286